नमस्कार दोस्तों, मैं भरत अग्रवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में इससे पहले हमने वैष्णव धर्म पढ़ा था और वैष्णव धर्म के बाद अब हम महाजनपदों की बात करेंगे, यानी कि जो आपके 16 महाजनपद हुए हैं इन 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो मगध जो महाजनपद है हम सबसे पहले उसको पढ़ेंगे और आखिरी में जब मगध समाप्त हो जाएगा, मगध में जितने भी शासक हैं उन शासकों के बाद हम जो 15 महाजनपद और बचते हैं उसको हम एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम महाजनपदों में सबसे पहला महाजनपद जो आपका रहेगा वो क्या रहेगा, मगध रहेगा। सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि जो आपके महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है, यानी कि 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वह आपके एक तो बौद्ध साहित्य से मिलती है और दूसरा यहाँ पर आपके जैन साहित्य से मिलती है। यानी कि बौद्ध साहित्यों में जो अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी जानकारी मिलेगी। अंगुत्तर निकाय याद रखिएगा और इस अंगुत्तर निकाय के बाद जो है दूसरा जो है वह आपका भगवती सूत्र है, यानी कि इस भगवती सूत्र में भी हमें इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन इसको जरूर याद रखना मतलब जो आपके महाजनपदों में, यानी कि जो हम महाजनपद जो पढ़ेंगे, यानी कि जो 16 महाजनपद पढ़ेंगे वो किसके अनुसार पढ़ेंगे, वो आपके अंगुत्तर निकाय में, यानी कि हमारे इतिहास में जो दिया गया है महाजनपदों के बारे में वो किससे दिया गया है, वो आपके अंगुत्तर निकाय से ही दिया गया है। तो इसको जरूर याद रखना कि आपके 16 महाजनपदों की जानकारी किसमें मिलती है और उसमें भी हमने दोनों चीजों में मिलती है, लेकिन हम इतिहास वालों ने, यानी कि इतिहास में किसमें से लिया गया है, अंगुत्तर निकाय से लिया गया है। अब इसके बाद हम सबसे पहले जो है आपका जो मगध है, हम सबसे पहले मगध के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद इसमें जिन जिन लोगों ने शासन कर रखा है, यानी कि जो जो वंश इसमें हुए हैं, आगे चलकर हम उसकी बात इसमें जरूर करेंगे। यानी कि जो मगध है, सबसे पहले मगध याद रखिएगा, मगध की जो राजधानी थी वह आपकी कहां पर थी, गिरिवृष थी, या इसी को राजगीर या इसी को क्या कहा जाता है, राजग्रह कहा जाता है। तो याद रखना इसी का नाम आपका राजगीर भी मिलता है और इसी का नाम आपका राजग्रह भी आपको मिलता है। अब यहां पर क्या है, सबसे पहले यानी कि अभी हमें यह याद रखना है इसमें कि जो आधुनिक आपका जो मगध है वो कहां पर पड़ता है। तो जो आपका वर्तमान में जो आपका एक तो पटना हो गया और दूसरा यहां पर आपका गया हो गया और यहां पर आपका शाहबाद जो हो गया, ये आपका तीनों मिलकर वर्तमान का क्या है, आपका मगध है। यानी कि मगध अब कितने जिलों में है, यहां पर अगर देखा जाए पटना गया और आपका शाहबाद हो गया। अब इसके बाद क्या था कि जो मगध है, यानी कि जो मगध नगर है, अगर हम इसकी स्थिति के बारे में आपको बताएं तो इसकी स्थिति आपके इस प्रकार से है। तो यहां पर आप इसको मगध बना लीजिए। मगध के उत्तर में यहां पर देखा जाए तो यहां पर आपकी गंगा नदी बहती है और अगर यहां पर आपके पूर्व में देखा जाए तो पूर्व में कौन सी नदी है, आपकी सोन नदी है। और इसके बाद आपका जो आपका पूरब बसता है, यानी कि पश्चिम में सोम और आपके पूर्व में आपके एक चंपा महाजनपद है, यानी कि चंपा पड़ेगा अंग, जो अंग की राजधानी चंपा। और उसके बाद ये आपके जो साउथ में है, यानी कि दक्षिण में है, ये आपके विध्यांचल श्रेणी जो है, विध्यांचल श्रेणी की जो पहाड़ियां हैं वहां तक ये आपका उस समय पर विस्तृत था। तो इसको जरूर याद रखना कि क्या है, मगध इतने जगहों पर आपका फैला है। अब इसके बाद जैसे इनकी प्रारंभिक राजधानी तो गिरिवृज है, लेकिन बाद में जब उदयन आ जाएगा तो इनकी राजधानी कहां चली जाती है, पाटलिपुत्र हो जाती है। उसके बाद भी वैशाली भी बदली जाती है, लेकिन बाद में फिर से पाटलिपुत्र आ जाती है। तो याद रखना प्रारंभिक राजधानी गिरिवृज रहेगी और उसके बाद आपके कहां रहेगी, पाटलिपुत्र रहेगा। और यहां पर अब इसके बाद, यानी कि ये तो इसकी आपकी स्थिति होगी। अब यहां पर सबसे पहले अब हमें मगध के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमें मगध की जानकारी किस किस में से मिलती है। तो यहां पर ऋग्वेद में मगध की जानकारी नहीं मिलती है। अगर यहां पर देखा जाए तो जो मगध है, मगध की जानकारी वेदों में देखा जाए तो वेदों में जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर आपकी एक जाति का नाम जरूर मिलता है, उस जाति का नाम आपके कीकट जाति थी। यानी कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख तो नहीं मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में एक कीकट जाति मिलती है और इस कीकट जाति का एक राजा था और उस राजा का नाम यहां पर क्या था, यहां पर आपका प्रमगंध था। यानी कि उस राजा का नाम प्रगंध था, यानी कि वो जो प्रमगंध था वह कहां शासन करता था, वह आपके कीकट जाति पर शासन करता था। और माना गया है कि जो ऋग्वेद
ऋग्वेद में कीकड़ की जो बात हो रही है और जो प्रम गंध की जो बात हो रही राजा की, वो कहां का राजा था? वो आपके मगध का राजा था। यानी कि स्पष्ट रूप से तो ऋग्वेद में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कीकड़ जाति से अनुमान लगाया जाता है कि यहां पर आपके मगध में आपके उस समय पर कौन राजा राज कर रहा होगा, आपके प्रमगंध। तो याद, इसे जरूर याद रखना कि ऋग्वेद में जानकारी नहीं मिलेगी, केवल कीकड़ जाति को ही हमने अनुमान लगाकर यह माना है कि यहाँ पर ये लोग कहां पर राज कर रहे होंगे, आपके मगध में शासन कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर इसके बाद अगर ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर जो आपके पुराण है, पुराणों में सबसे पहले, यानी कि पुराणों में जो मगध है, उस मगध का सबसे जो पहला वंश माना गया है वह आपका बृहद्रथ वंश माना गया, यानी कि बृहद्रथ वंश माना गया है पहला वंश। यानी कि पुराणों के अनुसार यहाँ का पहला वंश ही आपका बृहद्रथ वंश था, और इसका संस्थापक जो होता है वो भी आपका बृहद्रथ ही था। अब इसके जो पुत्र थे, यानी कि बृहद्रथ इसका क्या हो जाएगा, संस्थापक भी यही हो जाएगा, लेकिन इसका जो पुत्र था उस पुत्र का नाम यहाँ पर आपको जरासंध मिलता है। तो इसको याद रखना, जो ये जरासंध ही ऐसा शासक है जिसने सबसे पहले अपनी राजधानी किसको बनाया है, यहाँ पर आपके गृहबीज को बना रखा है। और इस नगर के अन्य कई नाम आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक आपका कुसारपुर भी मिलता है और इसी का नाम आपका वसुमती भी मिलता है। अगर देखा जाए जो ये वसुमती नाम है गृहब्रिज का, ये आपके केवल रामायण में मिलता है, यानी कि रामायण के अनुसार ये आपका जो गृहब्रिज था, क्या नाम था इसका, वसुमती था। इसके बाद अन्य कई नाम है, जैसे एक नाम यहाँ पर आपको मगधपुर भी मिल जाएगा, वसुमती हो गया, और बिंबसार जो इसका शासक रहता है मगध में, बिंबसारपुरी भी इसका एक अन्य नाम आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर अब जो बृहद्रथ के नाम से बृहद्रथपुर भी इसका नाम मिलता है। तो यहाँ पर कई नाम है, लेकिन सबसे पहले आपको जो इस पर से याद रखना है वो आपके वसुमती को रखना है, क्योंकि कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि जो आपके वसु थे वो इसके आपके बृहद्रथ के क्या रहे होंगे, पिता रहे होंगे। तो ये तो आपके पुराणों के अनुसार हो गया कि इस वंश यहाँ पर पहला शासक आपका कौन था, बृहद्रथ था। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो बौद्ध साहित्य, पहले ऋग्वेद में तो उल्लेख नहीं मिलेगा, उसके बाद पुराणों में आपका बृहद्रथ वंश रहेगा, लेकिन इसके बाद जो आपका बौद्ध साहित्य आता है, इस बौद्ध साहित्य में यहाँ पर आपका जो पहला वंश रहेगा वो कौन सा रहेगा, आपका हर्यक वंश रहेगा। इस हर्यक वंश को ही आपके पितृहंता वंश भी कहा जाता है। जब हम हर्यक वंश को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में इसमें बात करेंगे, तो अभी आप उसको समझिएगा कि इस मतलब बौद्ध साहित्य के अनुसार इस यहाँ पर पहला वंश कौन था, आपका हर्यक वंश था। तो दोनों चीजें याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बन सकता है, क्योंकि अगर मगध में पहला पुराणों के अनुसार पूछा जाएगा तो बृहद्रथ वंश, और अगर आपके किसमें पूछा जाएगा, बौद्ध साहित्य के अनुसार पूछा जाएगा, तो आपका हर्यक वंश आएगा। और एक बात और याद रखना, आपके बौद्ध साहित्यों में ही आपको एक महावंश का नाम मिलता है, यानी कि दीपवंश, महावंश, कई ऐसे ग्रंथ है आपके बौद्ध में। इसके अनुसार, यानी कि पहले तो याद रखिएगा कि अन्य जो बौद्ध साहित्य है सारे के सारे बिंबसार को ही, यानी कि जो बिंबसार होता है इसी को इसका संस्थापक मानते हैं हर्यक वंश का, लेकिन यहाँ पर क्या है, महावंश इस बात को नहीं मानता है, वो ये नहीं मानता है कि इस वंश का संस्थापक आपका बिंबसार होगा, क्योंकि उसका कहना है कि 15 वर्ष की अवस्था थी आपके बिंबसार की, तो उसके पिता ने उसका राज्याभिषेक किया था। यानी कि अगर वह 15 वर्ष की अवस्था में राजा बना है और स्वयं उसके पिता राज्याभिषेक करा रहे हैं, तो यानी कि उनका मानना है कि पहले राजा कौन रहा होगा, इसके पिता रहे होंगे। अब यानी कि केवल महावंश के अनुसार इसको पढ़ोगे। अब इसके बाद क्या है, इन सभी 16 जो आपके 16 के 16 महाजनपद हैं, इन 16 के 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली आपका कौन है, यही महाजनपद है। हम वीडियो के आखिरी में बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि मगध सबसे ज्यादा सफल रहा, लेकिन अभी यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक तो ऋग्वेद तो मैंने आपको बता दिया, पुराण बता दिया, बौद्ध बता दिया, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वप्रथम जो मगध है, मगध का उल्लेख इसमें मिलता है, तो सर्वप्रथम आपके वेदों में अथर्ववेद है, अथर्ववेद में सबसे पहले किसका उल्लेख मिलता है, आपके मगध का, यानी कि मगध का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिल रखा है, आपके अथर्ववेद में मिल रखा है।
अब यहाँ पर हमने राजधानी की बात तो की है, गृहवृज यानी कि राजगीर की तो बात की है, अब हम जो जो आपके राजगृह राजग्रह है यानी कि ये इतना आपका मतलब राजधानी बनाने में यानी कि क्यों बनाया गया, क्या कारण रहे है, अब हम इस पे बात करेंगे। यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपका राजग्रह क्या था, सबसे सुरक्षित था, क्योंकि वहां क्योंकि इससे पहले जो था यहाँ पर कई 16 महाजनपद आपस में लड़ रहे हैं शासन के लिए, तो आक्रमण की कई सारी संभावना है, इसी वजह से आपके राजगृह जो राजग्रह है इसको चुना गया है। अब कैसे याद रखोगे, जो राजग्रह है वो आपके 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो सबसे पहले 5 के 5 पहाड़ियां आप ये याद रखिएगा। एक तो आपका सबसे पहला जो आपका हो गया वो आपका वैराह पहाड़ी होगी, और उसके बाद आपका कौन सा हो गया, वराह पर्वत हो गया, और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, वृषभ पर्वत हो जाएगा, और इसके बाद एक आपका कौन सा हो जाएगा, ऋषिगिरी पर्वत भी इसका इसमें आता है, और एक और आ जाएगा वो कौन सा रहेगा, आपका चैत्य रहेगा, यानी कि चैत्य आपका व्यवहार वराह वृषभ और आपके और आपका ऋषिगिरी। अब यहाँ पर जो सबसे पहले इनके अन्य नाम अगर देखा जाए तो कई किताबों में इनके और नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे आपका सबसे पहले हमने जो बताया था जो आपका व्यवहार है इसको व्यवहार गिरी भी कहा जाता है, यानी कि जो आपका व्यवहार गिरी है इसका एक अन्य नाम क्या मिलता है, व्यवहार गिरी भी मिलता है, और कई किताबों में यह भी लिखा है कि वैराह नहीं हुआ आपका व्यवहार है तो व्यवहार भी मिलता है, तो इसी में आप गिरी जोड़ दीजिए तो इसका नाम आपका क्या मिलता है, व्यवहार गिरी मिलते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार आए या व्यवहार आए या आपके व्यवहारगिरी या व्यवहारगिरी आए, ये दो ये आपके सब नाम किसके हैं, राजग्रह जहाँ पर बसा हुआ है उन पहाड़ियों में से ही आपके एक पहाड़ी का नाम इसमें मिलता है। अब इसके बाद जो वराह है इसको यहाँ पर विपुलगिरी कहा गया है, तो इसका अन्य नाम आपको क्या मिलेगा, विपुलगिरी मिलेगा। ऐसे आपका जो वृषभ है, वृषभ को यहाँ पर आपका रत्नगिरी भी कहा गया है, तो इसका एक अन्य नाम आपका रत्नगिरी मिलेगा, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका सोनगिरी हो जाएगा, और ये आपका जो अंतिम है वो आपका ऋषिगिरी को उदयगिरी कहा जाएगा। ये आपका जो सोनगिरी है, सोनगिरी आपका कौन सा आएगा, चैत्यक आएगा, चैत्यक आपका सोनगिरी हो जाएगा, और आपका ऋषिगिरी जो नाम मिलेगा वो ऋषिगिरी आपका कौन सा हो जाए, उदयगिरी हो जाएगा। तो ये सबके सब नाम आप याद रखना, यानी कि जो आपका राजग्रह है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इन 5 पहाड़ियों के नाम आप इस प्रकार से याद जरूर कर सकते हो। बस इसको याद रखना कि चैत्य आपका कौन सा होगा, सोनगिरी होगा। अब ये जो पहाड़ियां हमने लिखा रखी है, यानी कि मेरा मकसद इसको बताने का इसलिए है क्योंकि अगर आ गया, क्योंकि अब जो क्वेश्चनों का लेवल है वो थोड़ा बढ़ चुका है, अगर सबको पता है कि जो पहली जो आपका बौद्ध संगति होती है अजातशत्रु के समय पर वो आपके यहीं पर राजग्रह में ही होती है, यानी कि इसी राजग्रह में होती है, लेकिन राजग्रह में अब आगे कि निम्न में से किस पहाड़ी में वो आपके बौद्ध संगति हुई थी, तो याद रखना वो आपके पहले तो सप्तपर्णी गुफा में हो रखी है, यानी कि बौद्ध संगति कहां हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और ये सप्तपर्णी गुफा कहां पर है, आपके व्यवहार या आपके व्यवहार पहाड़ी पर है। तो इसीलिए मैंने आपको राजग्रह में जो 5 की 5 पहाड़ियां हैं, इन 5 की 5 पहाड़ियों के बारे में मैंने यहां पर आपको बता दिया। अब एक और याद रखना, क्योंकि एक वास्तुकार होता है जो राज्य को बनाने में जो पूरा नक्शा तैयार करता है, अब क्वेश्चन आ गया कि राजग्रह को किसने बना रखा है, तो ये जरूर याद रखना इसका वास्तुकार जो है वो कौन है, आपका महागोविंद है। और इसमें एक बात और कही जाती है कि जो आपके अंग की राजधानी जो चंपा है ना महाजनपदों में, उस चंपा को बनाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है, यहाँ पर आपके महागोविंद को ही दिया जाता है, यानी कि ये आपका जो है राजग्रह से इतने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब इसके बाद जो है, अब हम सबसे पहले अब हम क्या करेंगे ना, हम एक एक करके हम आपके हरियक वंश को भी पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश को भी पढ़ेंगे, नंद वंश को भी पढ़ेंगे, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य को भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो में केवल मैं आपको इतने बताने जा रहा हूँ कि आगे हम किन किन वंशों की बात इसमें करने वाले हैं, तो आप इसको जरूर याद रखना, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य से भी तो पहले किसने यहाँ पर शासन कर रखा है, तो सबसे पहले जो आएगा आपका कौन आएगा, हरियक वंश आएगा, और उसके बाद आपका कौन सा आता है, आपका शिशुनाग वंश आता है।
शिशुनाग वंश आएगा और शिशुनाग वंश के बाद आपका कौन आएगा, नंद वंश आएगा, और इस नंद वंश के बाद ही आपका कौन सा आएगा, मौर्य साम्राज्य आएगा। मौर्य साम्राज्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया और अशोक हो गया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हरियक जो है बौद्ध धर्म के अनुसार यानी कि जो सबसे ज्यादा मान्य है, इस वंश का संस्थापक ये आपका कौन रहेगा, यहाँ पर बिंबसार ही रहेगा। और इसने इसकी जो स्थापना कर रखी है वह 544 ईसा पूर्व से लेकर आपके 1412 ईसा पूर्व तक, यानी कि इसके जो हरियक वंश की संस्थापक है वो बिंबसार है। और ये कितने समय तक आपका शासन करेगा, 544 से 412 ईसा पूर्व तक। अब इसके बाद जो शिशुनाग है, इस वंश की स्थापना भी आपके कौन करेंगे, यहाँ पर आपके शिशुनाग ही करेंगे, और ये आपके 1412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक ये शासन करेंगे यहाँ पर। और इसके बाद आपके नंद वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है, महापद्मनंद को माना जाता है, और महापद्मनंद 344 से लेकर और लास्ट में अंतिम शासक घनानंद तो 322 में मारा जाएगा। इसके बाद जो शासन शुरू होगा वो किसका होगा, आपके चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश का। तो सबसे पहले हम मगध में हम मौर्य वंश को पढ़ने से पहले हम इन छोटे छोटे जो वंश हो रखे हैं पहले इनकी बात करेंगे। अब यहाँ पर ये तो आपके हरियक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, इसके पर हम बातें आगे करते रहेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो मगध है, मगध की सफलता के ऐसे क्या कारण थे, यानी कि मगध इतना सफल क्यों हुआ, जिसने भी यहाँ पर राज किए, यानी कि सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है, इनकी दो राजधानियां थी, यानी कि क्या आपके मगध साम्राज्य की दो राजधानियां थी। एक तो प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि जरासंध था, जरासंध ने राजधानी बनाई, उसके बाद दूसरी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र रहेगी। और ये दोनों की दोनों राजधानियां क्या थी, एक अच्छे जगह पर थी, मतलब एक सुरक्षित जगह पर थी, जिससे क्या होता था, जिससे यहाँ पर आपके कोई भी महाजनपद इन पे आक्रमण नहीं कर सकता था। एक तो राजगृह जो हम गिरिब्रिज की बात कर रहे थे, पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एक तो वैसे ही सुरक्षित है, और दूसरा कहा जाता है कि जो आपका पाटली पुत्र है, यह पाटली जो पुत्र था इसे क्या कहा जाता है, जलदुर्ग कहा जाता है। इसको जरूर याद रखना, निम्न में से किसको जलदुर्ग कहा जाएगा, आएगा तो आप पाटली पुत्र को ही बोलोगे, क्योंकि पाटली पुत्र जो था आपके, इसके पास में कौन कौन सी नदियां थी, एक तो गंगा नदी होगी, एक तो आपकी गंडक नदी होगी, और दूसरा आपका कौन सा, तीसरी आपकी कौन सी होगी, सोन नदी होगी। इन नदियों के कारण ही इसको क्या कहा गया, जलदुर्ग कहा गया है। यानी कि सबसे पहले आप चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़िए या चाहे किसी भी वंश को आप पढ़िए, सबसे पहले अगर कोई भी मनुष्य जहां रहना चाहेगा, सबसे पहले वहां पर जल देखेगा कि वहां पर रहने के लिए, पीने के लिए पानी जो है, पानी है। तो इसी वजह से कहते हैं कि राजधानियों की वजह से सबसे ज्यादा सुरक्षित कौन महसूस करता था, अपने को मगध करता था। अब दूसरी बात यहाँ पर है कि मगध ही ऐसा साम्राज्य है पहला जिसने सबसे पहले हाथियों का प्रयोग करके, जो हाथी गज होते हैं, यानी कि हाथियों का जो प्रयोग, यानी कि हाथियों का युद्ध में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया आएगा, तो आप मगध को कीजिएगा। अब मगध में क्या है, हाथियों का प्रयोग, अब इससे कैसे शक्तिशाली होंगे, यानी कि इससे मतलब क्या था, अगर हाथी क्या होता था, युद्ध में ले जाया जाता था, अगर जो दुर्ग होते थे, जो दुर्ग नहीं टूटते थे, तो उनको तोड़ने का काम आपका हाथी करता था। इसी वजह से कहा जाता है कि हाथियों की वजह से भी मगध क्या हुआ, सफल हुआ। अब दूसरा तीसरा इसमें जो है, यहाँ पर लोहे के सबसे ज्यादा भंडार पाए गए मगध में, सबसे ज्यादा लोहे के भंडार थे, यानी कि लोहा अच्छा है तो आपके युद्ध में हथियार अच्छे बनेंगे, और हथियार तो अच्छे बनेंगे ही, अगर कृषि करेंगे तो कृषि करेंगे तो उसमें जो औजार प्रयुक्त होंगे वो औजार भी लोहे से बनेंगे, यानी कि इस वजह से भी आपके लोहे की वजह से भी आपका मगध जो है वो आपका सफल हो रहा है। यानी कि ये तीन पॉइंट को तो आप यहाँ पर जरूर याद रखना। एक पॉइंट और याद रखना जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है योग्य शासक, यानी कि यहाँ पर अब जो है वो सब योग्य शासक है। जैसे हम बात करें, हम शुरू से बात करें तो बिंबसार ने भी जो था अपने राज्य को लगभग 80,000 गांव माना जाता है कि 300 कोस तक क्या था, यानी कि 300 कोस तक इसका साम्राज्य था। इसके बाद अजातशत्रु भी इसको आगे तक फैलाता है, और इसके बाद तो आपने पढ़ा ही है कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आपका अशोक हो गया। तो बड़े बड़े शासक यानी कि सभी योग्य शासकों की वजह से ही आपका जो मगध है वो सबसे ज्यादा सफल रहा है। यानी कि अब कल से जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो वंश रहेगा वो मगध में आपका कौन सा रहेगा, हरियक वंश रहेगा। और हरियक वंश में हम
पहले शासक बिंबिसार की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।